राम राम जी, सारा ने नमस्कार। मैं रिमन आप सबके बीच में आज एक बार फिर तो उपस्थित हुई हूँ। एक कोच ने खेल मंत्री संदीप सिंह जी के ऊपर अपने बयान दिए, उन बयानों के ऊपर पूरा हरियाणा जो है वो अपना स्टैंड लेने लग रहा है। संदीप सिंह जी ने उन बयान तय देख के ने सुन के ने संदीप सिंह जी ने जो अपना मंत्रालय था खेल मंत्रालय उस पर इस्तीफा दे दिया, मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया। इब बात आवे है कि एक महिला ने ऐसी टिप्पणियां संदीप सिंह जी के ऊपर क्यों करी, इसका तो बेरा पाटेगा जब रिजल्ट आवेंगे, इसका तो बेरा पाटेगा जद इसके ऊपर कोई स्टैंड लिया जाएगा। उससे पहला जिन साथियों ने मेरे तो यूं कहा कि आप एक छोरी होकर इस मामला के ऊपर बोली को नहीं, तो मैं उन सारे साथियों तो सिर्फ न्यू ये कहना चाहूँगी कि भाई जब तक किसी भी मुद्दे की ढंग से जांच नहीं हो जाती, वो मुद्दा हमने उठाया ऐसी बात नहीं कि मुद्दा हमने नहीं उठाया, मुद्दा हमने उठाया, उठा के ने ट्वीट वगैरह करे, खेल मंत्री जी को टैग किया, अनिल विज जी को टैग किया, सीएमओ हरियाणा को टैग किया और पीएमओ इंडिया तक को उसके अंदर टैग किया। आप ट्विटर पर जाके देख सको रिमन नैन का नाम था। दूसरी बात, जब तक कोई भी इल्जाम साबित नहीं हो जाता या फिर जिस चीज़ का यूं कह लें कि अपने पास सबूत नहीं होता, जब तक वह चीज़ अधूरी सी रहा करे, वह बात अधूरी सी रहा करे। मनोहर लाल खट्टर जी ने इसके ऊपर अपनी चुप्पी छा दी थी और खेल मंत्री चुप्पी तोड़ी थी कल, और खेल मंत्री संदीप सिंह जी ने भी न्यू कहा था कि मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा देऊंगी और साथ ही साथ मैं उम्मीद भी करूंगी कि इस मामले की जो होगी निष्पक्ष जांच होगी। अनिल विज के द्वारा कोच पहुंची, अनिल विज जी ने भी यही बात कही कि इस मामले की जो जाँच है वो बिल्कुल निष्पक्षता के साथ होगी और खिलाड़ियों के साथ कोई भी खिलाड़ी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब बात यहाँ आती है, वो बात सही है गलत है, उन बातों के ऊपर कितना सोचना चाहिए, कितनी बातें करनी चाहिए। खैर वो बातें तो जब सारी जांच परख होगी तभी पता चलेगी कि कौन सही है कौन गलत है। जो बातें कही गई है वो सच्ची है, जो बातें कही गई है उनके ऊपर हम के विचार है जो वो कर सका हूँ, वो सारी बातें तो बाद में ही होंगी। लेकिन उससे पहला मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जिसे योजनाएं चलाने लाग रही है, जो सरकार बेटियां ने आगे बढ़ाने की सोचन लाग रही है, उस सरकार ने कागजात छोड़ के ने जो ये सारी स्कीम है ये धरातल पे आके जमीनी स्तर पे आके ने लागू करनी पड़ेगी जब जाके काम चलेगा।